दूसरा एटीट्यूड प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से और इतने बड़े महान हस्तियों के जीवन में से, कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 क्रिया आप तैयार कर लो, वो दिन 2-3 क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट 2-3 स्मॉल एक्ट्स और वर्क दैट यू डू रेगुलरली एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर इयर्स, दैट विल डिसाइड द शेड्यूल ऑफ योर डे, कीप यू ऑन टाइम फॉर एवरी अदर शेड्यूल ऑफ द डे। इसमें इतनी ताकत है। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल तक सुबह 6:40 को वॉकिंग में आए, 6:40 ही इज आउट ऑफ हिज डोर फॉर वॉक। 40 years, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम सबका जीवन का पूरा कार्य इकट्ठा कर ले तो भी प्रमुख स्वामी महाराज का 1% में भी नहीं आता। आपने एक हरियाणा भवन बनाया, कितनी तकलीफ पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूं। ऐसे 1300 और 150 से ज्यादा हॉस्पिटल कॉलेजेस अलग, and he has given his personal time to 20 million people. 2 crore लोगों को personal time दिया है। 6:40 को walk, हम लोग उनके walking के दर्शन के लिए बैठते तो 6:35 होती थी, हम लोग को पता चलता था कभी तो 5 मिनट बाकी है, नहीं आए होंगे walking में। At 7:30 he used to sit on the stage, come on the stage for his morning puja. For 40 years at 7:30 sharp he would come on the dais. These are great personalities, attitudes towards work of keeping time at least in 2 or 3 acts of your life of the day. To baki ki schedule din ki usme se set or stable ho jayenge to unke jeevan mein ye tha. Fir vyaktigat jeevan mein ek attitude tha, bahut baar ve ye baat karte the और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा। ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है। ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था। कैनेडा की पार्लियामेंट में 550 MPs ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था। व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए, और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू। केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन का था सम्मान। इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं। वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का। तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5,000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा हो गया और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया। तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा। प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है। अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है। प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे, 5,000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा। वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं। अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, 2 बार बोल गया फिर वहां से चल निकला। प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद कोई शायद उसको मार भी दे।
प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना। तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है। तो वे जो बोलते थे वो सही था। अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड ही सेड, सो व्हाट, सो ही कुड डाइजेस्ट।